हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी किड अराउंड। सो गाइस, मैं आज फिर लेकर आई हूँ एक शॉपिंग हॉल वीडियो। आप लोगों को मेरी शॉपिंग बहुत पसंद आती है ना, आपके रिस्पॉन्स ही समझ में आ जाता है। जितने भी मैं शॉपिंग वीडियोस डाले हैं, आप सब लोगों ने उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्यार दिया है और रिस्पॉन्स दिया है। इसलिए मैंने सोचा कि आपकी इच्छा का मान रखते हुए हमेशा मैं बीच बीच में अपनी शॉपिंग वीडियोज़ डालती रहूँगी। तो इस बार भी मैंने काफ़ी सारे परचेज किए हैं और इस बार मैंने परचेज किया है आयुष के लिए स्विमिंग एसेंशियल। तो उसके स्विमिंग के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए हुई थी, मैंने सारी चीज़ें खरीद ली हैं, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज, पहले मैं आपको बता दूँ कि फर्स्ट ट्राई पे स्विमिंग एसेंशियल चीज़ों पे कोई भी डिस्काउंट नहीं लगता, कोई भी डिस्काउंट कूपन उन पर वर्क नहीं करता है। तो जो भी साइट पर प्राइस थी, मैंने वो उसी प्राइस में खरीदे हैं और सबकी परचेस लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी। आप वहाँ से जाकर आपको जो भी पसंद है आप परचेस कर सकते हैं। एंड हाँ, स्क्रीन पे मैं सबके प्राइस भी लगाऊंगी और पिक भी लगाऊंगी, और आरुष के साथ कोई अगर कोई पिक होगा तो मैं वो भी आपसे शेयर करूंगी। इसलिए गाइस, लास्ट तक मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स जानने को मिलेंगे स्विमिंग के लिए। एंड आपको सारे प्रोडक्ट्स के बारे में ऑनेस्ट रिव्यू जानने को मिलेंगे, क्योंकि स्विम वेयर को छोड़ के मैंने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि ये एक एक करके मेरे पास आए, और बच्चों को आप जानती हैं, उनमें सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो फर्स्ट जैसे जो चीज़ आई, उसने आरुष ने यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो स्विम वेयर अभी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि वो अभी हमारे पास आया है। बाकी सब चीज़ें उसे यूज़ करना शुरू कर दी हैं, तो आपको इनके ऑनेस्ट रिव्यू भी जानने को मिलेंगे। सो गाइस, नाउ विदाउट फर्दर डू, लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। अपनी पेरेंटिंग लाइफ ईजी बनाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा के मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। तो सबसे पहले मेरी परचेस है, वो है ये सबसे जो एसेंशियल चीज़ होती है स्विमिंग में, वो है ये स्विमिंग कैप। आप कुछ और खरीदें ना खरीदें, पर प्लीज़ एक स्विमिंग कैप जरूर खरीदिए, क्योंकि स्विमिंग पूल का पानी होता है उसमें क्लोरीन मिक्स रहता है, एंड वो हमारे बालों के लिए सबसे ज़्यादा ख़राब रहता है। क्योंकि वो क्लोरीन मिक्स पानी हमारे बालों में लगकर हमारे बाल कमज़ोर होते हैं और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैंने स्विमिंग कैप खरीदी आरुष के लिए। तो ये है यूर रुइस कंपनी की। अगर मैं प्रोनाम सही से नहीं कर पा रही हूँ तो माफ़ करना, इसका नाम ही कुछ ऐसा है, YOURUIS। तो इस कंपनी की मैंने खरीदी है। 100% सिलिकॉन स्विमिंग कैप है ये, और इसके बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। ये है लॉन्ग लाइफ सिलिकॉन, एक्सट्रीमली इलास्टिक, एक्सेप्शनल कंफर्ट, प्रोटेक्ट हेयर बाय स्विमिंग, हाई परफॉर्मेंस, हाई टेक्नोलॉजी मटेरियल। तो ये है इसके बारे में लिखा हुआ, और आरुष को यूज़ भी किया है स्विमिंग करते टाइम, तो काफ़ी अच्छी रही है, काफ़ी कंफर्टेबल रही है, स्ट्रेचेबल है काफ़ी ज़्यादा, ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है, और उसने यूज़ किया है, कंफर्टेबल लगा है, उसने बिल्कुल एडजस्ट नहीं किया इसको पहनने में, क्योंकि उसको ज़रा सा भी डिस्कम्फर्ट लगता है ना, तो वो चीज़ वो नहीं पहनता है। तो उसने इसको आराम से पहना है, डैट मीन्स ये कम्फर्टेबल है। तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी है ये कैप। प्राइस सबका मैं यहाँ पर डिस्प्ले में लगा दूँगी स्क्रीन पर, आप देख लीजिएगा। तो ये रहा फर्स्ट, इससे कुछ इंस्ट्रक्शन भी हैं। रिंस इन कोल्ड वाटर एंड ड्राई आफ्टर यूज़, इसको ठंडे पानी से धोना है और उसको सुखाने रखना है। अवॉइड एक्सपोजर इन डायरेक्ट सनलाइट में आपको नहीं रखना है इसको। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद शार्प ऑब्जेक्ट्स, ऑब्वियसली इसको किसी शार्प ऑब्जेक्ट से कॉन्टैक्ट में नहीं आना, नहीं तो ये फट जाएगी। एंड देन ये नेक्स्ट परचेज है ये स्विमिंग गॉगल्स, एंड ये है कॉनेक्स कंपनी के स्विमिंग गॉगल्स, काफ़ी अच्छे हैं, एंटी फोग हैं ये, भाप नहीं बनती इसके ऊपर, और ये यूवी रे से प्रोटेक्ट करते हैं ऐसा इसके ऊपर लिखा हुआ है, एंड इसके भी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये हैं स्विमिंग गॉगल्स, ये केस में आते हैं, प्लास्टिक के केस में, तो काफ़ी इसको हैंडल करना काफ़ी अच्छा है, टूटने का डर नहीं रहेगा इनको कहीं भी, अगर नाम हो जाएंगे तो इसको आराम से केस में रख के ये प्रोटेक्ट रहेंगे। और ये हैं स्विमिंग गॉगल्स इसके, तो इस तरीके से हैं कुछ, है न। तो ये ऐसा गॉगल है, इसमें पीछे स्ट्रैप है, तो छोटी एज से बच्चे से लेकर बड़ी एज तक का बच्चा इसको यूज़ कर सकता है। स्ट्रेचेबल स्ट्रैप्स हैं, एंड इसके साइड में ये बेल्ट सा लगा हुआ है, तो उसको अपने साइज़ के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे गॉगल्स हैं, तो उसको भी आरुष ने यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा है, सो कम्फर्टेबल लगा इसको यूज़ करना। एंड डायरेक्शन लिखा हुआ है कि सिलिकॉन रबर स्ट्रैप है इसकी, यहाँ पे सिलिकॉन रबर स्ट्रैप है, एंड नोज ब्रिज कैन बी एडजस्टेबल, और इसकी नोज भी जो सिलिकॉन स्ट्रैप एडजस्ट हो जाती है। इफ द कुशन कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ योर आईज, स्किन ऑफ योर आईज, प्लीज स्टॉप वेयरिंग द गॉगल्स। अगर आपके कुशन से आपके
आई से कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्किन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो आप इसको पहनना बंद कर दीजिए। तो ये सब इसके बारे में लिखा हुआ है, पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई आरुष को, अच्छे से उसने यूज़ किया उसको एंड काफ़ी कंफर्टेबल रहे उसके लिए ये। तो ये है परचेज, आप इसको खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छा है ये। एंड फिर नेक्स्ट है ये दो स्विमिंग सूट मैंने खरीदे हैं, दोनों बेबी हक कंपनी के हैं। तो ये है बेबी हक कंपनी का लेफ्ट स्विमिंग सूट, मीन्स ये पूरा बॉडी सूट है। इसकी प्राइस है 875, बट आई थिंक मुझे डिस्काउंट था साइट पे और 673 में मिला शायद। तो लिंक इसका डिस्क्लेमर लगा दूंगी मैं आपको प्राइस का। तो ये है एक, एंड ये पूरा फुल बॉडी सूट है, ऊपर से नीचे तक लेग पूरा है इसका, बहुत ही क्यूट है, इसका प्रिंट बहुत अच्छा है। और इसको देख के मुझे पॉपर द सेलर मैन की याद आ जाती है, जो कार्टून आता था हमारे टाइम पे। तो ये काफ़ी अच्छा एंकर प्रिंट है और इसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, डोंट नो क्या लिखा है, बहुत ही वियर्ड लैंग्वेज है। वैसे फ्रंट कैमरा से आपको वैसे भी दिखाई नहीं देगा और मुझे पढ़ने में इसको प्रॉब्लम आई कि क्या लिखा हुआ है इसमें, इस तरीके से है। और पीछे पीछे चेन दी गई है इसमें बच्चों को पहनाने के लिए, उतारने और पहनाने के लिए पीछे चेन दी गई है। तो जो चेन है, मेरे को लेते टाइम बहुत डर लग रहा था कि कहीं आरुष को चुभे ना ये चेन, मैं ले तो रही हूँ चेन वाला, बट फिर भी मैंने इसको ऑर्डर कर ही दिया। बट लकीली ये, मतलब लोगों ने इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, हैट्स ऑफ है बेबी हक वालों को, कि उन्होंने चेन के पीछे इस तरीके से एक कपड़ा लगाया हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है ये, तो इस तरीके से लगाया है पीछे साइड। तो इसको इस वजह से इसको आरुष को बिल्कुल भी चुभने नहीं वाली है ये चेन। तो काफ़ी अच्छा कपड़ा है, नायलॉन मिक्स कपड़ा है ये और बहुत ही कंफर्टेबल है, नायलॉन का ही है शायद, पूरे नायलॉन का कपड़ा है ये और काफ़ी कंफर्टेबल है पहनने में, स्ट्रेचेबल है और आरुष को स्विमिंग पूल के वाटर से प्रोटेक्ट भी करेगा। तो ये काफ़ी अच्छा है स्विमिंग सूट, बहुत ही अच्छा है। एंड ये दूसरा स्विमिंग सूट है ये वाला, ये भी बेबी हक कंपनी का है, ये टू पीस स्विमिंग सूट है, मीन्स शॉर्ट अलग है और टी शर्ट अलग है। ये बहुत क्यूट है और इसका प्राइस पे 875 लिखा है इसका भी, और ये भी शायद मुझे 673 में ही मिला हुआ है। तो ये है, एंड ये इसकी टी शर्ट है, कार का प्रिंट बना हुआ है, बहुत ही क्यूट प्रिंट है, टॉप्स भी लिखा हुआ है इसके ऊपर, एंड गले में भी काफ़ी अच्छी वाइड है गला, ताकि आराम से इसके सिर में घुस जाए, एंड स्ट्रेचेबल तो ये है ही, नायलॉन कपड़ा है इसका भी, एंड काफ़ी कंफर्टेबल है ये इस तरीके से। एंड ये इसका शॉर्ट है, शॉर्ट मुझे बहुत क्यूट लगा ये पहनने में, इस तरीके से स्ट्रेचेबल है ये भी, है ना क्यूट। तो ये दो स्विमिंग सूट हैं। एंड फिर है ये आर्म बैंड्स क्या होते हैं, सीरियसली मुझे नहीं पता था, ये आरुष ने ही खुद बोला है कि मुझे आर्म बैंड्स चाहिए, उसने पेपा पिग में देख लिया था कि वो स्विमिंग करते टाइम आर्म बैंड्स पहनता है जॉर्ज, तो उसको भी चाहिए था फिर। तो ये है इस तरीके से, ये इंटेक्स कंपनी के हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, इंटेक्स कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। जो पीछे आपको स्विम इसका टब दिख रहा है, बाथ टब, वो भी इंटेक्स कंपनी का है और इसको भी शायद 3 साल हो गए यूज़ करते हुए, बिल्कुल भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में रखा हुआ है, उसकी हवा में ज़्यादा फुलाई नहीं है, इसलिए इसका हाल अभी ऐसा है, पर वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में रखा हुआ है। तो इंटेक्स कंपनी के ट्यूब टब बहुत ही अच्छे आते हैं, तो आप वो खरीद सकते हैं। तो ये आर्म बैंड है, काफ़ी क्यूट है, इसकी MRP थी 799, बट डिस्काउंट के बाद फर्स्ट ट्राई पे ये 292 का डिस्प्ले हो रहा था, प्राइस 292 की थी। एंड काफ़ी सी क्रिएचर्स के प्रिंट बने हुए उसमें, ऑक्टोपस, क्रैब, टॉर्टल्स वगैरह। एंड ये बिना खुला हुआ आया था हमारे पास, जो एक साइड जो हमने, इसमें दो साइड हवा भरने की होता है, एक ये साइड हवा भरते हैं और एक ये साइड हवा भरते हैं। तो हमने अभी इसको एक साइड हवा भरा हुआ है, एक साइड छोड़ दिया है, ताकि आरुष को जब पहने उसके बाद हम उसकी आर्म के हिसाब से इसमें हवा एडजस्ट करें। तो इस तरीके से पहनाया जाता है ये, बहुत ही अच्छा है। हवा भरने के बाद बच्चे इसमें फ्लोट कर सकते हैं, पानी में फ्लोट करते रहते हैं, डूबते नहीं हैं, और काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल भी रहता है उनको हाथ में पहनने में, और इससे उनकी पैरों की एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि उनके हाथ तो ऊपर रहते हैं एंड पैरों की एक्सरसाइज उनकी बहुत अच्छी हो सकती है। बच्चा आराम से स्विमिंग सीख सकते हैं, क्योंकि पैर चलाना सीख सकते हैं आराम से और हैंड चलाना भी सीख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है बच्चों को स्विमिंग सिखाने के लिए, अगर बहुत ही नया है बच्चा स्विमिंग के लिए तो काफ़ी अच्छा है ये। लास्ट परचेज है ये डॉगी शेप का ट्यूब,
इसका कंपनी का नेम क्या है मुझे नहीं पता, पर उसके ऊपर लिखा था इन्फ्लेटेबल स्पॉट बिग फ्लोटिंग रिंग सीट, ऐसे कुछ लिखा हुआ था। तो ये डॉगी शेप का रिंग सीट थी, इसमें दो ऐसे पैर डालने के लिए जगह बनी हुई है ताकि बच्चा से पैदल कर आराम से बैठ सके और स्विमिंग तैरता रहे पानी में और मज़े कर सके बिना किसी टेंशन के। एंड इसमें ये दो हैंडल्स बने हुए हैं, इसको पकड़ के आराम से तैरता रहता है पानी में और उसके पैरों की एक्सरसाइज करता है वो इससे। तो ये है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, आर्म फ्लोट और ये जो सीट है ये हम शायद 2 वीक से यूज़ कर रहे हैं और बिल्कुल भी इतना सा भी इसमें कोई भी लीक नहीं हुई हवा, 2 वीक से इसमें हवा ऐसी की ऐसी भरी हुई है, काफ़ी अच्छे हैं, बिल्कुल भी हवा लीक नहीं हुई, बिल्कुल भी पंचर नहीं आए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आए हैं और साइज़ भी काफ़ी अच्छा है बच्चों के हिसाब से। तो मैं इसका पीछे से दिखाती हूँ, इस तरीके से है ये। काफ़ी अच्छा है ये दोनों आर्म बैंड और ये ट्यूब है वो मैंने अपने ब्लॉग में भी शेयर किया है आप लोगों से, आपने नहीं देखे मेरे ब्लॉग जरूर देखिएगा, उसमें मैंने पूरा एक वीडियो डाला है आर्मशी स्विमिंग का, जो जो भी प्रोडक्ट्स हम लोगों ने लिए हैं उससे उसकी स्विमिंग का डाला हुआ है, तो आप मेरे ब्लॉग्स भी देख सकते हैं, उसमें आपको दिख जाएगा इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं सारे प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, क्योंकि समर का टाइम है और वाटर प्ले से अच्छा कोई गेम तो अभी हो ही नहीं सकता बच्चों को खेलने के लिए, बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है पानी में खेलने में एंड काफ़ी इंजॉय करते हैं, कूल भी रहते हैं और समर उनकी अच्छे से निकल जाती है। तो आप भी ये चीज़ परचेज कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए अगर आपको लेना है तो, काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ के हैं, मैंने खुद यूज़ किया है काफ़ी दिनों तक। तो बस यही था आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी ऐसे अच्छे अच्छे शॉपिंग हॉल आपके लेकर आती रहूँ और आपकी हेल्प करती रहूँ शॉपिंग में। तो गाइस अब मैं मिलूँगी आपसे किसी नए वीडियो में कोई और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, या फिर कोई नए शॉपिंग हॉल के साथ, या फिर नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।